नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैनिक स्कूल में कितना रिजर्वेशन होता है और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है, और जो बच्चे होम स्टेट से पढ़ते हैं उनको कितनी सीट्स मिलेंगी और अदर स्टेट से जो पढ़ते हैं उनको कितनी सीट्स मिलेंगी। तो कौन से स्कूल में कितनी सीट्स हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी जो वीडियो है बना चुका हूँ, अपलोड कर दी है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर सजेशन बॉक्स में आ रहा होगा, तो आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो कि कौन से स्कूल में कितनी सीट्स हैं, बॉयज के लिए कितनी है और गर्ल्स के लिए कितनी है, और क्लास 9th के लिए कौन से स्कूल में कितनी सीट्स हैं। तो इसमें मान लीजिए कि किसी भी स्कूल में 100 सीट्स हैं, टोटल मान लीजिए कि 100 वैकेंसी हैं जहाँ 100 सीट्स हैं, तो 100 में से जो 67 सीट्स रहेंगी वो होम स्टेट के लिए या फिर यूटी के लिए रहेंगी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए। और उसी 100 में से 33% जो सीट रहेंगी, यानी कि 33 जो सीट्स रहेंगी वो अदर स्टेट के लिए और यूटीज के लिए रहेंगी। आगे मैं बता दूंगा कि कितना परसेंटेज रहेगा, और बाकी आप जो है ये कम ज्यादा भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये परसेंटेज चेंज नहीं होगी, आप परसेंटेज जो है निकाल सकते हो कि कितनी सीट्स हैं आपके बच्चे के लिए जो है रहने वाली। तो यहाँ पे दो लिस्ट मेंशन की गई है, यानी कि ए लिस्ट में जो है वो होम स्टेट में के लिए दिया गया है, और जो बी लिस्ट है वो अदर स्टेट के लिए अदर स्टेट की सीट्स दी रही है। तो यहाँ पे टोटल मान लीजिए कि 67% सीट्स हैं, यानी कि 100 का 67% जो है वो होम स्टेट के लिए और यूटी के लिए रहेगा, और 33% जो रहेगा वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा या फिर यूटी के लिए रहेगा। अगर एससी के लिए बात करें तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे होम स्टेट के एससी के लिए 67 सीट्स थी, तो 67% का 15% जो सीट, यानी कि 10 सीट्स बनती हैं, तो वो होम स्टेट के लिए रहेंगी, और इसमें से यानी कि 33 का 15% जो सीट रहेगा, यानी कि 5 सीट जो रहेंगी वो अदर स्टेट के एससी के लिए रहेंगी, एससी कैटेगरी के लिए रहेंगी। उसके बाद अगर बात करें एसटी के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो 67% का होम स्टेट का 7.5% जो है सीट रिजर्व रहेंगी, यानी कि टोटल अप्रोक्सीमेटली 5 सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी, यानी कि ये सीट ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ दी सीट्स कम ज्यादा है। तो आप देख सकते हो उस वीडियो में कि कितनी स्टेट की कौन सी कितनी सीट्स रिजर्व है। और उसी तरह अदर स्टेट का 33% का 7.5% जो है, यानी कि 2 सीट्स रहेंगी, यानी कि टोटल जो है वो 7 सीट्स रहेंगी। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 67% का 27% जो है रिजर्व रहता है, जिसमें कि 18 सीट्स बनती हैं। ये जो है ये होम स्टेट के लिए है, और अदर स्टेट के लिए बात करें तो 33 का 27% जो है वो 9 सीट्स रहेंगी, यानी कि टोटल जो है ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 27 सीट्स रहेंगी। उसके बाद बैलेंस सीट यानी कि इसमें से आप देख लीजिए कि 67% में से माइनस कर दीजिए, 10 तो जो है एससी के लिए माइनस कर दी, 5 जो है एसटी के लिए और 18 जो है वो ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए, तो टोटल कितनी बन गई, 34 सीट्स बच गई, यानी कि बैलेंस सीट बच गई। अब हमारे पास टोटल कितनी सीट्स बच गई, 67 में से 34 सीट्स बन गई। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास टोटल 33 थी, तो 5 जो है वो एससी के लिए निकाल दी गई है और 2 जो है वो एसटी बच्चों को दे दी गई है, और 9 जो सीट्स थी तो वो किनको दे दी गई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के जो कैटेगरी में आते थे उनके लिए दे दी गई है। तो टोटल यहाँ पे हमारे कितनी रहेगी, 16 सीट रहेगी। तो 16 यानी कि टोटल कितनी है, यहाँ पे 50 सीट है। उसके बाद अब इन्हीं 34 सीट यानी कि एससी के कैटेगरी को निकाल के, एससी कैटेगरी को निकाल के, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को निकाल के हमारे पास 34 सीट बनी थी। इन 34 सीट्स का 25% जो रहता है वो डिफेंस के लिए रहता है, यानी कि जिनके पेरेंट्स जो है डिफेंस फोर्सेस में है, यानी कि टोटल जो सीट रहेंगी वो 9 सीट रहेंगी किसके लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए, होम स्टेट के लिए। मान लीजिए कि आप तो पंजाब से हैं और आपके पापा जो हैं वो भी पंजाब से हैं, और आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब से है और आपके पापा डिफेंस में भी हैं, यानी कि वो क्या हो गए, होम स्टेट डिफेंस हो गया, तो आपके लिए जो 9 सीट रहेंगी वो रिजर्व रहेंगी। उसी तरह से जहां जो सीट्स रही थी वो कितनी रह गई थी, 17 रह गई थी, यानी कि 17 का टोटल 25% जो सीट रह गई वो 4 रह गई, जो कि डिफेंस अदर स्टेट के लिए रहेंगी, यानी कि टोटल जो सीट रहेंगी 100% में से
जो सीट्स रहेंगी वो डिफेंस पर्सनल के लिए रहेंगी। उसके बाद अब मान लीजिए कि जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए कितनी रहेगी, मान लीजिए कि ये 34 सीट्स तो किस किस के लिए थी, एससी के लिए थी, एसटी के लिए थी और ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए थी। और इसी में से 34 में से और निकाल दीजिए 9 सीट जो है वो डिफेंस पर्सनल के लिए निकाल दीजिए, ठीक है, डिफेंस कैटेगरी के लिए निकाल दीजिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स कितनी रहेगी, सीट्स रहेगी 25 सीट्स। और उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 70 सीट बची थी, तो 70 सीट में से यानी कि 4 जो है और निकाल दीजिए किसके लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए, यानी कि अदर डिफेंस पर्सनल के लिए, यानी कि अदर, अगर आप जनरल अदर स्टेट में भरते हो तब आपको जो है टोटल 13 सीट मिलेंगी। और टोटल जो सीट रहेंगी यानी कि होम स्टेट की भी और अदर स्टेट की भी, तो टोटल 38 सीट जो है रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल सीट होगी 67 और यहाँ पे टोटल कितनी होगी, 33 होगी, और टोटल जो सीट्स हैं वो 100 सीट्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे जो है एक ब्रीफ में बताया गया है कि कितनी कितनी जो है बताई गई है, यानी कि एससी के लिए 15, 10 जो है होम स्टेट के लिए और 5 जो है अदर स्टेट के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए सॉरी 5, जिसमें सॉरी 7, यानी कि जिसमें कि 5 सीट जो है वो होम स्टेट के लिए और 2 सीट जो रहेंगी वो अदर स्टेट्स के लिए रहेंगी। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27, जिसमें कि 18 सीट्स होम स्टेट के लिए और 9 सीट्स जो रहेंगी अदर स्टेट के लिए, और डिफेंस के लिए जो है 13 सीट है, जिसमें कि 9 जो सीट्स रहेंगी वो होम स्टेट डिफेंस कैटेगरी के लिए और 4 सीट जो रहेंगी वो अदर स्टेट डिफेंस के लिए रहेंगी। तो जनरल के लिए टोटल सीट्स कितनी बची, जनरल कैटेगरी के लिए 38 सीट्स रही, जिसमें कि 25 होम स्टेट के लिए और 13 सीट्स जो है वो अदर स्टेट के लिए रही। तो टोटल यहाँ पे हमने 100 सीट्स माना था, ठीक है, ये कहीं पर ज्यादा भी है, 100 से ऊपर भी है और कहीं पर 100 से जो है नीचे भी है, ठीक है। तो आप जो है दूसरी वीडियो से देख सकते हो कि कितनी जो है कौन से स्कूल के लिए कितनी जो है कौन से स्टेट के लिए कितनी सीट्स हैं। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।